I believe that if you can focus obsessively enough on customer experience, selection, ease of use, low prices, more information to make uh, purchase decisions with, if you can give customers all that, plus great customer service, and with our uh, toys and electronics, we have a 30 day uh, return policy. If you can do all of that short list, the, this won't take long. Um, and it pretty, it, it's complete too. Um All right, well, the first thing I know is that you need to obsess over customers. Uh, I can tell you that we have been doing this from the very beginning, and it's the only reason that amazon.com exists today in any form. Uh, we've always put customers first. When given the choice of obsessing over competitors or obsessing over customers, we always obsess over customers. We pay attention to what our competitors do. But it's not where we put our energy. The, at the very top of the list is one I've already mentioned, but you'll probably hear it 10 times throughout tonight because it's so central. And it is customer obsession. It's customer obsession instead of, for example, competitor obsession or business model obsession or product obsession. Or so friends, you have seen Jeff bezos 1999, 2009, or 2019. दो चीज़ें वो हमेशा कह रहा है कस्टमर एक्सपीरियंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग अगर आप सेलर हैं वर्चुअल असिस्टेंट हैं कुछ भी हैं सेलर हैं तो आपको समझना चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो अपने क्लाइंट को बता दें कि कस्टमर के ऊपर अमेजोन का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा कस्टमर के साथ पंगा मतलब आप गए कस्टमर की कंप्लेंट आपको नहीं आनी चाहिए पहली चीज़ दूसरी चीज़ है लॉन्ग टर्म थिंकिंग अब आप, आप ये ना सोचें कि जी मैं छः महीने में कामयाब हो जाऊंगा मैं नौ महीने में कामयाब हो जाऊंगा तो ये बात तो हो गई ख़त्म कि आप कामयाबी जो है ना छ महीने में या दस महीने में करें अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो मैं हूं फारूक बुजदार और ये जो लिंक आप देख रहे हैं मेन स्क्रीन पे सेल डॉट अमेज़ोन डॉट कॉम ये वो वेबसाइट है ये वो सोर्स है जो दुनिया का कोई भी गुरु कोई भी ट्रेनर जब वो अमेजोन के बारे में कुछ पढ़ाता है कुछ सिखाता है ये इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो जब भी वो आपसे कोई बात कर रहा होता है तो वो उसकी सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमेशा यहीं से आ रही होती है आपने इसको बुक मार्क करना है ठीक है आप क्रोम यूज करें या कुछ भी यूज करें इस पर आपने क्लिक करना है और आपने इसको बुक मार्क कर देना है ठीक है और इसको आप यहां आप आपकी मेन स्क्रीन में यहां पे ये यह विजिबल हो जाएगा आपने जब भी इसको यूज करना है आप यूज करेंगे इसको अच्छा इसमें जो मोर इम्पॉर्टेंट चीज है यहां पे आप देख सकते हैं डाउनलोड द ई बुक आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे डाउनलोड द ई बुक इस पर आपने क्लिक करना है जो ये आपने क्लिक किया तो ये गाइडलाइंस आ गई ये कितने पेजेस की किताब है टोटल इसके नौ पेजेस हैं ठीक है नौ no पेजेस ये आपने लाजमी पढ़नी है लफ्ज ब लफ्ज आपने पढ़नी है आपने उसको याद रखना है यहां पे उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है यहां पे उन्होंने अपनी कंपनी की बताया है किसका एज क्या है स्टार्ट करने से पहले वो ये बताते हैं कि आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं आपको क्या चाहिए रजिस्टर करने से पहले कितना खर्चा होता है इंडिविजुअल प्लान अगर आपने लेना है तो आपको नाइनटी नाइन डॉलर हर चीज़ के हर एक आइटम के सेल होने पे चार्ज होगा थर्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन आपको पर मंथ चार्जेस होंगे अगर आप प्रोफेशनल इनका अकाउंट लेते हैं ठीक है ना सेलर सेंट्रल के बारे में इन्होंने फिर डिटेल्स दी हैं प्रोडक्ट्स को कैसे लिस्ट करते हैं रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं ये भी आपको जाननी चाहिए प्रोडक्ट की डिटेल्स कैसे एंटर करते हैं डिलीवर कैसे प्रोडक्ट्स करते हैं फ़र्स्ट सेल करना है उसके बाद किस तरीके से होगा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कैसे करते हैं कस्टमर रिव्यूज कैसे होते हैं बिजनेस ग्रोथ कैसे होती है आप एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं आप प्रोमोशन कूपन कैसे यूज कर सकते हैं आप ग्लोबल एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं एक ग्रेट सेलर की क्या चीज़ें होती हैं आपके फर्स्ट नाइनटी डेज क्या हो सकते हैं आपने अपने ग्रोथ के लिए क्या क्या चेकलिस्ट रखना है ठीक है ये ई e बुक आपने डाउनलोड करनी है टोटल जिस तरह का आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं नाइन पेजेस की है इसको आपने लफ्ज बलफ्ज़ पढ़ना है और इसको आपने याद रखना है इससे बढ़कर आपको शायद ही कोई बड़ी मालूम चाहिए हों देखें आपने किसी को एडवाइज़ करना है तो ये नॉलेज हमेशा आपके पास होना चाहिए ये वाला लिंक आपने सेव करना है वैसे इस लिंक के नीचे भी उन्होंने डिटेल में यही चीज़ें लिखी हुई हैं लिंक्स विद एक्सप्लेनेशन आप यहां से भी पढ़ सकते हैं तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी कि इस वेबसाइट को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें आज की इस वीडियो का मकसद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये सेलर्स यूनिवर्सिटी का आपको बताना था आप यहां से जाएंगे यूट्यूब का चैनल है सेलर्स यूनिवर्सिटी के नाम से ठीक है ये वाला Amazon सेलर्स यूनिवर्सिटी इसको आपने सब्सक्राइब करना है मैं ये दोनों लिंक्स यानी ये वाला लिंक जहाँ से आपको वेबसाइट मिल रही थी और इस यूट्यूब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ठीक है यहाँ पे इनकी टॉप प्ले लिस्ट हैं कि सेलिंग ऑन अमेजॉन इसेंशियल्स फॉर गेटिंग स्टार्टेड लिस्टिंग आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो कैसे स्टेप बाय स्टेप हो सकती है अमेजॉन प्रोमोशंस कैसे हो सकते हैं अमेजोन सेलर्स परफॉर्मेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं ठीक है Amazon प्रोडक्ट रेगुलेशन compliance क्या है आप अमेजोन को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं ठीक है ग्रो ऑन अमेजॉन जिस तरह पेपर क्लिक है तो ये एक पूरा एक कोर्स है जो आप में से हर शख्स को करना चाहिए इंटरनेशनल सेलर्स के लिए उन्होंने ट्रांसलेटेड ये भी यहाँ पे वीडियोस रखी हुई हैं ठीक है अब मेरी आपसे दरखास्त ये है कि आप जब ये दोनों चीज़ें देखेंगे तो आप किसी की भी ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे गाइड करने की एक अच्छा जो टीचर होता है उसका बेसिक काम ये होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बता दे कि उन्होंने कहाँ देखना है मैं हमेशा अपने काम में ये कोशिश करता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को बता दूँ कि आप खुद काम कैसे कर सकते हैं अब जिस तरीके से ये मेरा पी का पीएचडी के स्टूडेंट के लिए एक गाइडलाइन है ठीक है कि वो लोग जो तहकीकी मकाला लिखते हैं उसको पब्लिश कैसे कर सकते हैं एक नॉर्मल टीचर एक नॉर्मल प्रोफेसर ये प्रेफ़र करता है कि बच्चे हमेशा उठ के उसके ऑफिस आ जाए ठीक है और वहाँ पे उसके मेहनत समाजित करें कि सर मेरा पेपर चेक करो और मुझे बता दो कि मैं इसको कौन से जर्नल में रिसर्च की दुनिया में मुख्तलिफ बड़े बड़े पब्लिशर हैं जिस तरह स्प्रिंगर का आपने शायद नाम सुना हो आपने वाइली का बड़े बड़े रिसर्च पब्लिशर्स का आपने नाम सुना हो तो उन पब्लिशर्स का हमारा एक मेथड है टीचर्स का जो हम करते हैं और फिर हम रिकमेंड करते हैं हम फिर स्टूडेंट्स को पी एच स्टूडेंट्स को कि आप किस तरीके से पब्लिश कर सकते हैं मैं उस माइंड का आदमी नहीं हूँ मैंने क्या किया मैंने एक वीडियो बनाई और वह वीडियो बना के रख दी कि देखो जब आप मेरे पास आते हो तो मैं ये तरीका करके आपको गाइडलाइन बताता हूं तो आप भी ये करो वो आजाद हो गए और उस आजादी के चक्कर में दस हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है ये मैंने को एक आपको एक साधा मिसाल दी है आप जिंदगी में कभी उस्ताद बनो कभी टीचर बनो आपने अपने स्टूडेंट्स को बताना है कि देखना कहाँ पे है कौन कितना देख पाता है ये उसके ऊपर है ये उसकी मेहनत के ऊपर है आप यकीन करें अगर आपके पास ये किताब और ये अमेजोन की यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस हैं आप किसी भी गुरु से किसी भी शख्स से ज़्यादा एजुकेटेड हैं आपने मेरी इस बात को याद रखना है कि आपको जब भी कोई मालूम अमेजोन के हवाले से मिले तो आपने यहाँ पे आना है ठीक है आपने इस गाइडलाइंस को पढ़ना है ये डॉक्यूमेंट वक्त के साथ अपडेट होता रहता है जो रूल्स में चेंज होते हैं या कुछ भी चेंज होता है तो आज के दिन मैंने आपको से यही शेयर करना था मैं उम्मीद करता हूँ इन शज़ीज़ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी और ये आपकी मदद करेगी अल्लाह आप सब का हामिनासर हो आपको खुश रखे और यहाँ ये मेरा इंग्लिश चैनल है सॉरी उर्दू चैनल है इस चैनल के ऊपर ये वीडियो इनशाला अपलोड कर दी दोस्तों तो आज में से ठीक दीजिए दो हजार पच्चीस के अगर नहीं दिया हुआ तो हम अबाउट सेक्शन में मेरा ई मेल नंबर डाल देंगे नहीं मेल मेरा नहीं दिया हुआ तो जो मेरा ई मेल है वो है फारूक डॉट बुजदार टू एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है ये यह मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कि आपको इन सोर्सेज में ये कोई बात समझ नहीं आ रही तो इन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैं लाजमी करूँगा आने वाले दिनों में हम इनशा कोशिश करेंगे कि जो मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर जिस तरीके से आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ हैं फ्री का कोर्स है ठीक है वीडियो एडिटिंग का कोर्स है किताब लिखने का कोर्स है लिटरेचर रिव्यू ये तो पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है ठीक है बेहतरीन तरीका सीखने का क्या है इस तरह के कोर्सेज जो या जिस तरह पीएचडी के स्टूडेंट्स की टॉपिक सिलेक्शन हमारे उर्दू चैनल में मेरे ख्याल में पी के स्टूडेंट्स तो नहीं है तो इनशाला हम इस चीज़ को भी करेंगे इसके अलावा यहाँ पर मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर तकरीबन दो से ज़्यादा किताबों की मैंने समरीज़ रख दी हैं फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इम्पेक्ट कर रही है फिर हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो बेस्ट मूवीज़ क्लिप हैं वो भी आपके साथ शेयर करें तो ये ये मेरे प्लान हैं इन शह मैं सबको उर्दू में कन्वर्ट करूँगा मौका मिलते ही आपका बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे होने का बल्कि हमारे चैनल के ऊपर उप, होने का अला बहुत शुक्रिया